फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल ताबिंदा टिप्स एंड ट्रिक फैमिली। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है लखनऊ की फेमस गलौटी कबाब की रेसिपी। कुछ लोग गलौटी कबाब कहते हैं, कुछ लोग टुंडे कबाब कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहले मैंने एक केजी मटन का कीमा लिया है, उसका रेशियो आपको बता रही हूँ। तो यहाँ यह मेरा 100 ग्राम मेरा यहाँ काजू है, 200 ग्राम मेरा भुना चना है। आप बेसन ना डाल के आप भुने चने का ही डालें, इससे आपका टुंडे कबाबी का टेस्ट अच्छा आता है। यहाँ मैंने 8 प्याज ले ली थी, उसको मैंने फ्राई कर दिया है। और यहाँ मेरा 4 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर है। तो चलिए मैं काजू को, प्याज को और भुने चने को, ये चारों को हम एक साथ पहले थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड किया मसाला रेडी है। तो मैंने भुने चने का, प्याज का, काजू का, नारियल के पाउडर का, मैंने ये मसाला मेरा रेडी हो गया है। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 केजी मेरा यहाँ पे मटन का कीमा है, मैंने यहाँ पे 1 केजी ले लिया है। इसमें जाएगा मेरा 2 टेबलस्पून नमक, आप नमक और मिर्चा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इसमें जाएगा मेरा 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून चिली पाउडर, 4 टेबलस्पून मेरा जाएगा इसमें पपीते का पेस्ट। मैंने 1 किलो लिया था तो इसमें मेरा 4 टेबल, अगर आप 1/2 केजी लेंगे तो इसमें 2 टेबलस्पून पपीते का पेस्ट जाएगा, और आप 1 केजी लेंगे तो इसमें 4 टेबलस्पून पपीते का पेस्ट जाएगा। ये हमारे मीट को टेंडराइज करता है। और इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 अंडा, मैंने यहाँ पे 1 अंडा ले लिया है, इसमें जाएगा मेरा 1 अंडा। और यहाँ पे मैंने गलौटी कबाब का मसाला रेडी किया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने 1 केजी के लिए मैंने 1 चम्मच इसमें गलौटी मसाला लिया है, अगर आप 1/2 केजी लेंगे तो 1/2 चम्मच लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे 1 केजी लिया है तो मैंने इसमें 1 चम्मच गलौटी कबाब का मसाला लिया है। इसमें जाएगा मेरा 1 चम्मच मैदा, रिफाइंड फ्लोर। और इसमें जाएगा मेरा, अब जो मैंने ग्राइंड किए हुए जो मसाले मेरे सारे थे, प्याज के, काजू के, नारियल के, भुने चने के, इसमें मेरे जाएंगे। इसमें जाएगा मेरा 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर, ये मेरा 2 केवड़ा वाटर गया। 1 केजी में हमको 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर डालेंगे। और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा मेरा रोज़ वाटर, गुलाब। और इसको हम अब अच्छी तरीके से हमें सबको मिक्स करेंगे। तो इस तरह से हम इसे खूब अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। और इसको हम एक अच्छा तंदूरी और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए अब इसे एक चाकू से डाल के हम इसे तंदूर करेंगे, तंदूर का फ्लेवर देंगे। तो चलिए इसमें हम अपने, ये मेरा सारे मिक्सचर एक साथ मिलके रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे हम इस तरह से करके हम इसे तंदूरी फ्लेवर देते हैं। अपने टुंडे कबाबी को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हमने इसमें एक चाकू लिया है और इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। इस तरह से हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के, इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। फिर इसे हम खोल के 1 घंटे के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। देखिए 5 मिनट हो गए, मेरे स्मोकी फ्लेवर हो गए हैं। तो अब इसे निकाल के हम इसे, इस कबाब को हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए मेरे 1 घंटे हो चुके हैं, मेरे सारे मसाले को कीमे में मैरिनेट हुए। तो चलिए अब हम इसकी टुंडे कबाबी की टिकिया बनाते हैं। तो इसी तरह से आप भी मेरे बताए हुए मेथड से आप भी इस तरह से टिक्की बनाएं और खाएं, और घर में बैठे टुंडे कबाबी का, लखनऊ की फेमस टुंडे कबाबी का घर में बैठे मज़ा उठाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एंजॉय करें, पार्टी में बनाएं। तो ये ईद उल अधा स्पेशल टुंडे कबाब है, मैं ईद उल अधा स्पेशल बना रही हूँ। आप भी बकरीद में अपने घरों में इस तरह से बनाएं, इंजॉय करें, खाएं। तो इस तरह से हम अपनी टिक्कियों को बनाएंगे। देखिए मेरे टुंडे कबाबी रेडी हैं, मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं। तो चलिए अब इसको हमने बहुत कम तेल डाल के इसको थोड़ा थोड़ा हम इसे फ्राई करेंगे।
अपने टिक्के को हम तलेंगे। तो मेरी बताई हुई रेसिपी से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए और इस तरह से आप घर में बैठे बैठे लखनऊ का मज़ा आप घर में उठाएं, घर में आप टुंडे कबाब भी बनाएं, खाएं, फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो चलिए पहले हम इसको अपने इस तरह से हम फ्राई करेंगे। हाँ देखिए मेरे टुंडे कबाबी देखिए रेडी है। तो देखिए ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। तो मेरे बताए हुए टिप्स एंड ट्रिक्स से आप भी टुंडे कबाबी को बनाएं, खाएं, घर में एंजॉय करें। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।